अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक डिश टाइम। आज की मेरी रेसिपी है बादाम की खीर। हम आज बादाम की खीर बनाएंगे। कैसे बनाना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। ये मैंने 1.5 कप शुगर ली है, जार में ऐड कर देंगे। और ये मैंने 8 से 10 काजू ले लिए हैं और 4 से 5 इलायची, ये भी ऐड कर देंगे। और ये 30 से 35 बादाम मैंने रात भर भिगो कर रखे थे, फिर सुबह मैंने इसका स्किन निकाल लिया। ये ब्लांच्ड बादाम है, ये भी ऐड कर देंगे। तो उसके साथ ही हम ऐड करेंगे ये 1 पिंच साफ्रन। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। आई गरम हो गई है, अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी के ऐड कर दूं। घी के गरम होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 रफली चॉप्ड बादाम और काजू। मिनट तक इसे सॉटे, ये हो गए हैं सॉटे, मैं इन्हें बाहर निकाल। अब इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून सेमिया मैं इसमें ऐड कर दूंगी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको फ्राई करेंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 4 कप्स फुल फैट मिल्क है ये, अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। सेवियों को सॉफ्ट होने तक अच्छे से कुक कर। देखिए सेवियां अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे ये बादाम के पेस्ट जो हमने ग्राइंड कर लिया था, ये पेस्ट को हम ऐड। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक के इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। आपको जितनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए उतनी देर तक आप उसको कुक। कर दूंगी 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस। और फ्लेम को हम स्विच ऑफ कर देंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद ये और भी थिक होगी। चलिए अब मैं इसको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए बादाम खीर रेडी है, बहुत ही डिलीशियस बनी है ये। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।